विदेश, नया आसमान, नए मौसम, नए दोस्त और नया अकेलापन। यहां हर रोज घर से बस स्टॉप तक आपका नाम पीछे से पुकार कर राम राम कहने वाला कोई नहीं है। 40 साल के राजीव अंकल को अब राजू कहने वाला कोई नहीं है। यहां पड़ोस की पिंकी आंटी भी नहीं जो हर तीसरे दिन आपसे चीनी मांगने आ जाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये विदेश है, यहां आप रहते हैं, आपका दिल नहीं। तो अब अपने दिल को समझाना छोड़िए और इसे समझना शुरू कीजिए। रेडियो जिंदगी, विदेश में धड़कता देश का दिल। जिए जा, जिए जा। आज तक पार्टी हुई डीजे के साथ। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो। लेकिन अब पार्टी होगी राजीव पॉल के साथ। पार्टी विद राजीव एवरी सैटरडे फ्रॉम 1 PM टू 2 PM ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जी अच्छा। नो बाउंसर्स एंड एंट्री एब्सोल्युटली फ्री। वेलकम टू द बिग पार्टी। जी अच्छा। I'm not afraid.
आंखें देखी तो मैं देखता रह गया, जाम दो और दोनों ही दो आतिशा, आंखें या मैं कदे के वो दो बाब हैं, आंखें उनको कहूँ या कहूँ ख्वाब हैं, आंखें नीची हुई तो हया बन गई, आंखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई, आंखें उठ कर झुकी तो अदा बन गई, आंखें झुक कर उठी तो पता बन गई, आंखें जिन में पैदा सुमानों गई, नरगसी नरगसी सुरमगी सुरमगी, नरगसी नरगसी सुरमगी सुरमगी। दोस्तों, आज के प्रोग्राम की शुरुआत की मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब के इस बहुत ही प्यारे से गाने आफरीन आफरीन से। तो दोस्तों, इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हुआ होगा कि आज का जो सफर है वो फिल्मी गीतों का सफर नहीं है, जबकि इंडियन पॉप म्यूजिक का सफर है। आज के इस सफर में दोस्तों, मैं आपको ले चलूंगा एक छोटे से नॉस्टैल्जिक रन पे, जहाँ पे हम सुनेंगे गायक सोनू निगम जैसे, मिक्का जैसे, दलेर मेहंदी जैसे, नाजिया हसन जैसे गायकों के गाने जिन्होंने अपनी गायकी की शुरुआत की थ्रू इंडियन पॉप म्यूजिक, द 1980s एंड 1990s, जहाँ पे एक तरह से जिसे कहा जा सकता है कि इंडियन पॉप म्यूजिक का जन्म हुआ या उसे पॉपुलैरिटी मिली। तो आज के प्रोग्राम में दोस्तों सुनेंगे सारे एक घंटे में पॉप म्यूजिक ऑफ 80s एंड 90s ऑफ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री। तो शुरू करते हैं आज का ये मीठा सफर कुछ मीठी बातों का और बहुत सारे प्यारे गीतों का। सुनते रहिए पॉडी विद रजीव, ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जी अच्छा, प्यार है तुमसे है हम सफर, इस कदर प्यार है तुमसे है हम सफर, अब तो जीते हैं हम बस तुम्हें देख कर, तुम्हारी हर अदा
पल तुमको देखा मैंने, कहती है मेरी नजर तुम्हारी हर अदा, तुम्हारी हर नजर। ये क्या कहने लगी तुम्हें है क्या खबर, इस कदर प्यार है तुमसे है हम सफर, अब तो जीते हैं हम बस तुम्हें देख कर। दोस्तों मैं हूं आरजे रजीव और आप सुन रहे हैं पाड़ी विद रजीव। दोस्तों आज के इस इंडियन पॉप कल्चर पॉप म्यूजिक के सफर में ये जो अगला गाना, अगली आवाज, अगला नाम जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं वो है बहुत ही पॉपुलर नेम पंकज उधास। इन द लेट 1980s एंड अर्ली 90s पंकज उधास नाम गजल की दुनिया में गजल के साथ जुड़ सा गया था, बिकॉज ही ब्रॉट गजल टू अ कॉमन मैन that he could sing with, he could interact with. और आपको याद होगा गजल्स लाइक चांदी जैसा रूप है तेरा और दूसरा शराब चीज ही ऐसी है जो ना छोड़ी जाए। पंकज उधास इतने पॉपुलर हुए और उन्हें मूवी में ब्रेक मिला फ्रॉम द मूवी नाम और उसका बहुत ही पॉपुलर गाना चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। तो दोस्तों सुनते हैं पंकज उधास की आवाज में ये अगला बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। सुनते रहिए पाड़ी विद रजीव ओनली ऑन रेडियो जिंदगी जिए जा। सखियों से वो बातें करना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। मुझको देखा बनघट पे तो, मुझको देखा बनघट पे तो
पानी भरना भूल गई चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई।
दोस्तों 1990s के दशक में इंडिया के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने बड़ा चेंज देखा। जहां एक तरफ सैटेलाइट के द्वारा टीवी और मनोरंजन का साधन बढ़ा, उनको एक नया बढ़ावा मिला, वहीं पे एमटीवी और चैनल वी के द्वारा इंडिया के पॉप म्यूजिक कल्चर को बढ़ावा मिला, उनके गायक गायिकाओं को एक नया प्लेटफॉर्म मिला। 1990 से पहले हम सुनते थे शरण प्रभाकर जी को, पिनाज मसानी जी को, उषा उठप जी को, पर लेट 1980s और अर्ली 1990s में प्लेटफॉर्म मिला पॉप कल्चर का टू सोनू निगम, लकी अली, दलेर महेंद्र जी, मिक्का जी, गुरदास मान वगैरह वगैरह। और इन्हीं में से एक और आवाज उभरी गायिका श्वेता शेट्टी जी की, और उन्होंने बहुत ही प्यारा सा गाना गाया, बहुत ही हिट गाना, दीवाने दीवाने तो दीवाने हैं। तो सुनते हैं श्वेता शेट्टी जी की आवाज में ये अगला बहुत ही प्यारा सा गाना। सुनते रहिए पार्टी विद राजीव, ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जा दीवाने दीवाने
आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी जिए जा। तो आप में से कई लोगों को पता होगा सारेगामा प्रोग्राम विच वॉज वन ऑफ द अर्लियर प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडेड टू द अपकमिंग सिंगर्स, एक कम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म जहां से विनर लाइक श्रेया घोषाल कंटिन्यू टू बिकम अ वेरी 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 पॉपुलर सिंगर। और सारेगामा में उन जमाने में एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा हैंडसम सा चेहरा होता था एज अ होस्ट, जिसका नाम था सोनू निगम। जी हाँ दोस्तों, कितने लोगों को पता था कि ये जो प्यारा सा होस्ट है जो इतने सिंगर्स को बढ़ावा दे रहा है सिंगिंग कंपटीशन में, वो खुद इतना बड़ा गायक है। दोस्तों मैं हूं आरजे रजीव, और जब 1990s का पॉप कल्चर आया तो दैट गेव अ ह्यूज प्लेटफॉर्म टू सोनू निगम जी, जिन्होंने अपना एल्बम दीवाना निकाला विच वॉज अ सुपर सुपर हिट एल्बम ऑफ सोनू निगम। तो दोस्तों सुनते हैं सोनू निगम जी की आवाज 90s पॉप कल्चर, सोनू निगम वेंट रियली हैंड टू हैंड। सुनते रहिए Party with Rajiv, only on Radio Zindagi. GHA!
तेरा दीवाना, मौसम है मस्ताना, उस पे दिल दीवाना दीवाना। मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा, मौसम है मस्ताना, उस पे दिल दीवाना दीवाना तेरा, तुझे ही बुलाए ये मर्जी तेरी, तू आए ना आए दीवाना। मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा, मस्ताना उस पे दिल दीवाना दीवाना तेरा, तुझे ही बुलाए ये मर्जी तेरी, तू आए ना आए।
दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा ही ख्याल है। La la la.
आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी जी जा। सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी जी जा। हे,
दोस्तों, इन द लेट 2000s इंडियन पॉप म्यूजिक स्टार्टेड टू फेड अवे
and giving away to the competition of Indian film music. Indian film music was coming back again. 1990s mein jo lull dekha ja raha tha filmi music mein, aur 2000 mein that music started to come back again. Aur 1990s mein badhawa mila tha Indian pop music ko, ab wo pop music jaane laga kyunki logon ki interest dobara filmi music pe aayi. Par pop music ke karan jo singers the, unhein ek naya platform mila tha, unhein ek naya naam mila tha. दोस्तों मैं हूं आरजे राजीव, याद कीजिए मूवी कहो ना प्यार है. जी हाँ दोस्तों, ऋतिक रोशन की डेब्यू मूवी दैट पुट हिम एज अ सुपरस्टार एंड अ डांसिंग सुपरस्टार. और उसमें गाना था एक पल का जीना फिर तो है जाना. जी हाँ दोस्तों, उसके सिंगर थे लकी अली, हु आल्सो फाउंड हिज प्लेटफॉर्म थ्रू द इंडियन पॉप कल्चर इन द 90s. तो सुनते हैं लकी अली जी की आवाज में ये बहुत ही प्यारा सा गाना, तेरी यादें आती हैं. बॉडी विद राजीव ओनली ऑन रेडियो जिंदगी. तेरी यादें आती हैं, तेरी यादें आती हैं, कुछ बातें आती हैं. दिल में तलब है, लब पे तराना, किसी की तलाश में ये गुजरे जमाना. कल है कहां दो पल का बहाना, नहीं था यकीन हम हुए तो रवाना. तेरी यादें आती हैं, तेरी यादें आती हैं, तेरी यादें आती हैं, कुछ बातें आती हैं. दुनिया के रास्तों में एक है जरिया, एक है जरिया, कहता दीवाना ये सुन तो ले. दरिया से जा मिली है कितनी ही नदियां, कितनी ही नदियां, कहता दीवाना ये सुन तो ले. ऐसा समा भी ना देखा है, मौसम ये बहका और महका है. तेरी यादें आती है, तेरी यादें आती है, तेरी यादें आती है, कुछ बातें आती है. कैसी नगरिया, कहता दीवाना ये सुन तो ले.
दोस्तों बातें करते करते, गाने सुनते सुनते सफर कैसे बीत गया और कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अभी भी ऐसा लगता है कि कई ऐसे गाने होंगे फ्रॉम द लेट 1980s एंड 90s इंडियन पॉप कल्चर से जुड़े गाने जो मैं आपके लिए आज नहीं लेके आ सका, पर आशा करता हूँ कि जो भी गाने मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ आपको थोड़ी देर के लिए उस नॉस्टैल्जिक रन पे ले गए होंगे रिलेटेड टू द अपराइज ऑफ MTV एंड चैनल वी एंड द इंडियन पॉप कल्चर। तो दोस्तों जाते जाते एक और आवाज, एक और नाम जो इंडियन पॉप कल्चर के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई है और वो है बेबी डॉल अलीशा का नाम। जी हाँ दोस्तों, मेड इन इंडिया बहुत ही पॉपुलर गाना हुआ था और अलीशा जी को भी एक प्लेटफॉर्म, जो मूवी का प्लेटफॉर्म मिला था दैट वॉज थ्रू आफ्टर गेटिंग इन टू द इंडियन पॉप म्यूजिक, और उन्हें ब्रेक दिया था इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर एंड कंपोजर बप्पी लाहिरी जी ने। और जैसा कि आप सब जानते हैं बंटी और बबली का हिट सॉन्ग कजरारे कजरारे वॉज संग बाय अलीशा चुनाए। अगले हफ्ते आपको फिर से मिलूंगा, लेके आऊंगा कुछ और मीठी बातें और बहुत सारे प्यारे गीत। Enjoy this fantabulous weekend. Signing off with a big hug and lots of love. सुनते रहिए Party with Rajiv only on Radio Zindagi. जिए जिए।